लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने भले ही एनडीए का विस्तार कर लिया हो, लेकिन इस विस्तार के साथ नई चुनौतियां सामने आ खड़ी हैं। पुराने और नए सहयोगियों में गठबंधन से सीटें ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की होड़ तक शुरू हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गठबंधन का कुनबा बढ़ने लग गया है। वही अब भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल का अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी के अलावा अब ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी आ खड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है। खासतौर पर पूर्वांचल में भाजपा के लिए संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीनों ही दल भाजपा से यहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की होड़ में है। इसमें सबसे बड़ी दावेदारी अपना दल की है, जो यूपी में भाजपा सपा के बाद तीसरा सबसे बड़ा दल बन चुका है। वही सुबह सपा भी बड़ी ताकत के साथ एनडीए में लौटी है। इनके अलावा अब संजय निषाद भी अपनी पार्टी के सिंबल को लोकसभा तक पहुंचाने के प्रयास में है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का वोट करीब 18% माना जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये ज्यादा ताकतवर है। प्रदेश के 165 विधानसभा सीटें निषाद बाहुल्य है। ये समाज कई लोकसभा सीटों पर जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वही दूसरी तरफ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा में ही गठबंधन का हिस्सा थे, कुछ समय तक सरकार में भी शामिल रहे, लेकिन बाद में दोनों की राहें अलग हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में सुबह सपा ने 19 उम्मीदवार उतारे, भले ही उन्हें एक भी सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन 8 सीटें ऐसी थी जहां पार्टी तीसरे स्थान पर रही थी। इसके बाद 2022 विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर ने अखिलेश यादव की सपा के साथ गठबंधन किया। पूर्वांचल में इस गठबंधन ने बीजेपी का काफी नुकसान किया। गाजीपुर और आजमगढ़ से बीजेपी को सपा गठबंधन ने समेट दिया। बलिया में 2, मऊ में 1 सीट ही पार्टी जीत सकी। इस प्रदर्शन के पीछे राजभर के वोट बैंक को अहम कारण माना जाता है। खैर, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी अपने कुनबे को संभालने में कितना कामयाब होती है।